गुरु नानक पाद पंकज बंदन पाद पंकज बंदन सिमरायं गद दुख अमरदास गुर हृदय जी हृदय श्री गुरु रामदास गुण गावों गुरु अर्जन विघ्न न के नाशक विघ्न न के नाशक हरे गोविंद शुभ मत पर काशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर श्री हर कृष्ण मना बहो तेग बहादुर परम कृपाला जी परम कृपा श्री गुरु गोविंद सिंह बिसा तारों तारा पर पुन पुन सीसा पुन पुन बंदों बार बार जगदीसा एक अंकार सतगुरु ते प्रसाद सच वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग जजन भजन मम खालसा खालसा पूज बिजोग दास गोबिंद फते खालसा दर्श परस मिटे सोग आत्म रस दे जानही सो है खालस देव प्रभ मह मोह मह तास मह रंचक नाहिन पेव कहां बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी वर्ण सके मेहमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधा सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा बुढ़े समत गुरु होए पैसे पंच नलेर रामदास की भेट धर कृपा दृष्ट को हेर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह गुरु की साजी नवाजी हुई परम सत्कार योग गुरु खालसा साध संगत जी आप जी बड़भागे हो गुरु साहब ने साढ़े भागों में यह टाइम लिखा अपने चरणों में बैठन का जिन्हों की कृपा होंगी है उन्होंने बुलाते ने अपनी संगत बिठाते ने कीर्तन कथा नाल जोड़ते ने गुरु साहब बिन भागा सतसंग ना लभै बिना भागां दे इत्थे बहना मिलदा नहीं इत्थे सतसंग दे विच कथा कीर्तन सुनना मिलदा नहीं बिन भागां सतसंग ना लभै बिन संगत मैल भरीजै जी बिना महापुरशां साधुआं गुरमुखां नाम रसियां दी संगत कीतियां तो साडे अंदर विकारां दी मैल भरदी है धन धन साहब श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह गुरु ग्रंथ साहब की कृपा होवे ते ये सत्संग दियां घड़ियां मिलदियां
पूजनीक माता जी खालसे दे माता जी का अज आप पावन पवित्र प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं। रोहतास की वह धरती जिथे गुरु नानक देव जी महाराज ने चरण पाए अजकल पाकिस्तान विच है। रोहतास किला रोहतास बड़ा वड्डा किला है और यह भी इतिहास दे विच कि वह किले के अंदर ही माता जी का जन्म स्थान है। शहर के अंदर किले के अंदर हुण तां बड़ी संघनी आबादी है उत्थे वो घर वो जगह मौजूद है। बाहर दियां संगतां ने सेवा कराई वो जगह हुण सुंदर बन गई है पर प्रकाश उत्थे नहीं हो सकता क्योंकि सेवा करन वाले उत्थे सिंह नहीं हुण मुसलमान वीर माड़ी मोटी सेवा करते। सो सात संगत जी माता जी माता साहब देवां जी ज खालसे दे माता जी सन 1682 नूं उस नगर विच भाई रामू खत्री दे घर पैदा होए। बचपन तो ही उन्हां दे जन्म तो ही पिता जी ने फुरना कर लिया सी कि जे साडे घर संतान बेटी होई असीं उह महाराज कलगीधर पातशाह दे चरणां दी दासी बनावांगे। इह फुरना संगत नूं भी पता लग गया। रोहतास की संगत इस बच्ची नूं जन्म तो ही माता जी कहिंदे सन। ऐसियां विरलियां ही इस्त्रियां होणगियां जिन्हों जन्म तो माँ कहा गया होवे। माँ बनती है इस्त्री 20 साल की उम्र में 25 साल की उम्र च माँ बनती है पर माता साहब जी तो बचपन तो ही माता सन। तो जदों 20 साल के होए 1702 गुरु कलगीधर पातशाह नाल उन्हां दा आनंद कारज होया। सतगुरु जी महाराज ने वचन करता भी असी तो पहला ही विरस दा त्याग कीता होया है। जदों खालसा साजिया उस तो पहला ही महाराज साहब जी विरस दा त्याग कर चुके पूर्ण निर्लेप हो चुके मोह माया तो। वैसे तो सतगुरु सदा ही निर्लेप हैं पर एक जगत की मर्यादा होंदी है उहदे अनुसार महाराज साहब जी ने वचन किया भी असी हुण विरस दे विच प्रवेश नहीं करना। रोहतास की संगत ने बेनती की सच्चे पातशाह जी ये हुण सारिआं दे विच प्रसिद्ध है कि साडी माता है होर इहदे नाल हुण कोई विआह नहीं कराएगा और ये गुरु घर च सेवा करना चाहती है इनू इत्थे ही सेवा का मौका बख्शो। माता गुजरी जी नू संगत ने बेनती की सतगुरां नू बेनती की माता जी ने हुक्म दिता भी ये कार्ज हुण करो इनू अपने घर दे विच ये कुआरा डोला रहेगा महाराज का वचन सीगा। माता जी कुआरा डोला हन धन माता साहब देवां जी। जदों उन्हां दे मन च फुरना होया कि मेरे घर संतान होवे महाराज ने वचन किया भी खालसा ही तुहाडा पुत्र होवेगा। पंथ खालसा गोदी तेरी तेरी गोदी च खालसा पंथ पाया ये महाराज साहब जी ने बख्शिश की। बड़ा लंबा इतिहास है मैं विस्तार नहीं जा सकता क्योंकि सतगुरु अमरदास महाराज के ज्योति जोत समाण की कथा चल रही है वो लड़ी भी आप छड़ नहीं सकते। पर मैं संखेप में अर्ज करा कि आनंदपुर साहब छड़िया माता जी भाई मनी सिंह ते बाबा दीप सिंह दे नाल दिल्ली गए। जदों दमदमा साहब दसवें पातशाह प्रगट होए गुरु की काशी उत्थे माता जी दोवें माता माता सुंदरी जी माता साहब देवां जी भाई मनी सिंह जी दे नाल दमदमे साहब आईयां सन। कलगीधर पिता जी महाराज सच्चे पातशाह नूं पुछिया सी महाराज साहब जादे किथे। माता सुंदरी ते माता साहब देवां खड़ियां पति नूं सीस निवारियां पुछण जोड़ के हाथ हे साहब सच्चे जिंदा प्यारियां नजर नहीं आ रहियां। सिंघा वाल कर हाथ दशमेश बोले तरो तीर क्यों हौसले ढा लेने
उना चमा दे बदले आज देखो ए मैं लखाई पुत्र बढ़ा लेने। खालसा मेरा पुत्र है, जुगो जुग टल है, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सत चार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार, ए लखा करोड़ा सिंह हैं मेरे पुत्र हैं, ए तुहाडे पुत्र हैं। तो माता जी दमदमे साहब रहे, इथों नाल हजूर दे हजूर साहब तक गए। माता सुंदरी जी दिल्ली रह गए, महाराज ने उन्होंने उत्थे छड़ दिता तुर्कमान महल्ले दिल्ली, माता जी का गुरुद्वार। माता साहब जी दिल्ली तो भी नाल हजूर साहब, क्योंकि बचन सी मैं प्रशादा तां छकना जे आप दे दर्शन करने, दर्शन करके प्रशादा छकदे। जदों महाराज सच्चे पातशाह सचखंड गमन करना सी, कुछ समा पहला साहब देवां जी ने हुक्म दिता तुसी दिल्ली सुंदरी जी कोल चले जाओ, उत्थे रह के अपना जीवन भजन सिमरन करो, साड़ी खेड वर्तनी है कोई अगमी। इशारा कीता, माता जी कहन लगे महाराज मैं आपते दर्शना बिना प्रशादा नहीं छकदी, उत्थे किवें जीवांगी दर्शना तो बिना। कहन लगे ये साढ़े वड्डे गुरुदेव महाराज पिता जी दादा जी दे शस्त्र हैं, गुरु हरगोबिंद साहब जी दे कात्रे दे, इन्हां दी सेवा करोगे इन्हां जो सानूं तुहानूं गुरु साहब दे साढ़े दर्शन होया करनगे। पांच जां छे शस्त्र सन जिन्हां विचों साध संगत जी एक गुरज सी जिहड़ी छेवें पातशाह दी गुरज, वह अज बाबा जस्सा सिंह जी आलूवालिए नूं माता जी ने दित्ती सी वह बुढ़े दल विच। एक माता जी दे कोल शस्त्र तरने दल विच है, तीन शस्त्र हजूर साहिब उत्थे गुरद्वारा दिल्ली दे विच जिहड़ा दरबार है उत्थे मौजूद हन। सो वह पांच छे शस्त्र महाराज साहब जी दे कमर कसे दे सन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे, वह सतगुरां ने माता जी नूं दे के दिल्ली भेज दिता। 26 साल तक माता जी के हुक्मनामे 8 मिनट के हाथ से लिखे हुए 8 हुक्मनामे ने महाराज 10वें पातशाह तो बाद 26 साल तक 1734 तक दे माता जी दिल्ली च रहे। उत्थे शरीर का अंत समा आया, गुरु हरकृष्ण साहब जी 8वें पातशाह महाराज के द्योहरे के लागे उन्हों का संस्कार किया गया गुरद्वारा बाला साहब। ऐसे महान माता जी भजन में ही रहिंदे सन, 8 पहर सिमरन भजन। माता सुंदरी जी जिहड़े सन वह पंथ की अगवाई करया करदे सन। ये दोवें माता दिल्ली तुर्कमान महल्ले में जिथे अज माता का स्थान है उत्थे रहिंदियां रहियां, पंथ की अगवाई करदियां रहियां। 8 हुक्मनामे हथ लिखत माता जी दे मिले, 8 माता सुंदरी जी दे मिले पुरातन। सो साध संगत जी बाकी उन्हां दीआं होर बख्शिशां इतिहास आ खालसा पंथ उन्हां दी विरासत सदा ही याद करदा रहेगा। माता जी दा स्थान हजूर साहब विखे ब्रह्म ग्यानी बाबा अमित सिंह जी निहंग सिंह जी ने 1918 च पंजाब तों पैदल जा के उस स्थान की सेवा कराई। पहला कथड़ा ही सी, महापुरश ब्रह्म ग्यानी सन पूर्ण तत्वेते बाबा अमित सिंह साहब जी मुल्लापुर दाखे दे लागे पिंड मंडियाणी जन्म स्थान महापुरशां दा। हुक्म होया कलगीधर पिता जी महाराज 10वें पातशाह जी ने आप दर्शन दे के उधर तुरिया, ते उत्थे जा के सेवा सचखंड श्री हजूर साहब माता जी दे स्थान दी कराई। अज बहुत वड्डा स्थान माता जी दा बन चुका है, संगतां जांदियां ने पिछले दिन उत्थे बहुत वड्डा जोड़ मेला माता जी दी याद विच मनाया गया, हर साल मनाया जांदा। सो प्यारी साध संगत जी माता जी दे प्रकाश पूर्व दीआं तुहानूं सारिआं नूं लख लख वधाईआं। आओ हुण महाराज दी कथा सुणीए। धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी सचखंड दी तैयारी कर लई है, जिवें रामकली सत विच बचन आए ने कि सतगुर भाणै आपणै बहि परवार सदाया, मत मैं पिछै कोई रोब सी सो मैं मूल न पाया। वो कथा गुरु अमरदास साहब जी सन 1574 दे विच श्री गोइंदवाल साहब जी की पावन धरती से
कमर कसे कर रहे ने। गुरता गद्दी सतगुरु रामदास साहब चौथे पातशाह जी नूं बख्शी गई है। राती विस्तार नाल आपां कथा सुनी है। बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै, पढ़ लो सारे। बैठा सोढ़ी पातशाह, बैठा सोढ़ी पातशाह, मातावां भैणां वल्लों आवाज कोई नहीं आई, सारे प्यार नाल पढ़ो। बैठा सोढ़ी पातशाह, बैठा सोढ़ी पातशाह, रामदास सतगुरु कहावै, रामदास सतगुरु कहावै। पूरण तार खटाया, पूरण तार खटाया, अमृत सार विच जोत जगावै, 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 धन धन श्री गुरु रामदास साहब जी गुरता गद्दी ते बैठे ने। गुरु रामदास अमरदास साहब सच्चे पातशाह सचखंड गमन कर रहे ने। यह इतिहास सुनिए, प्यार नाल आखिए सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु। दोहरा बुढ़े सम्मत गुरु होए। महाराज साहब जी ने, गुरु अमरदास साहब जी ने बाबा बुढ़ा जी नाल सलाह करके बाबा बुढ़ा जी नूं नाल खड़िया कीता है। हां जी, पैसे ते एक नारियल हाथ विच लै के श्री गुरु रामदास दे चरणा च रख के मत्था टेकिया है। रामदास की भेट धर, श्री गुरु रामदास दे अगे इक 5 पैसे ते नारियल रख के भेटा रख के कृपा दृष्टि भी कर दिती, अपनी जोत भी दे दिती, अपनियां सारियां पावनां दे दी, अपना ही रूप बना लिया ते चरणा ते मत्था। धन गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद देव जी दे चरणा ते मत्था टेकिया सी। गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास दे चरणा ते मत्था टेकिया सी। अज उही मत्था गुरु अमरदास साहब जी ने सतगुरु रामदास चौथे पातशाह दे चरणा ते टेक दिता। हां जी, फिर चारे पासे फिर के परिक्रमा कीतियां हन, और साध संगत जी परिक्रमा करके ना गुरु रामदास दे के फिर मत्था टेकिया है। परिक्रमा कीतियां गुरु रामदास दी, गुरु अमरदास दी बिरध अवस्था भी सच्चे पातशाह आले दुआले घूम के 3 वारी परिक्रमा करके फिर मत्था टेकिया है। हां जी, तबे मोहरी संगत होए क्या, बाबा मोहरी जी सारी संगत दे मोहरी होके, नमो मोहरी की सिर नैका, उन्होंने गुरु रामदास दे चरणा दे नमस्कार कीती। मोहरी पुत सनमुख होया, रामदास पैरी पाए जीओ। हां जी, फिर सारी संगत बाबा बुढ़ा जी समेत सारे सिखां ने मथा टेकिया है। जान गुरु गन पाप निकंदन, ए धन हन गुरु अमरदास महाराज बिरद अवस्था दे मालक सतगुरु, पापा नूं कटण वाले सतगुरु, इन्हां दे अंतम दर्शन कर लईए, क्योंकि ए दर्शन मुड़ के होने नहीं। ऐसे विराग विच सिख आ गए, महाराज दे दर्शना दे लई हुम हुम आ के संगतां पहुंच गईयां। हिमदय कर सब जग गुरियाई, सारे जगत दी गुरता गद्दी श्री गुरु रामदास साहिब जी नूं बख्श दित्ती है। इत परलोक होवै त्यार गसाई, ते आप सच्चे पातशाह परलोक दी तैयारी करदे हन। नेत्र प्रफुल्लत जन अरबिंदा, कमल वर्गियां सोहणियां सोहणियां अखां खिड़ियां होईयां, जिवें कमल दे फुल दियां पंखड़ियां खिड़ियां हुंदियां,
ਏਦਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿੰਨ ਕੋ ਸੱਦ ਮਿਲੇ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਆ ਜਾਓ, ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਇਹੀ ਬਚਨ ਸੱਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਆਇਆ ਹਕਾਰਾ। ਹਕਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੁਲਾਵਾ, ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਹਕਾਰਾ, ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹਕਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਧਾਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਏ ਮਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਹਾਏ ਮਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਹਾਏ ਮਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਦਿਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਣਦਿਸਦੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਅਣਦਿਸਦੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਜੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਪਤ ਬਦਨ ਦੁੱਤ ਇੰਦ ਸੁਨਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹਾਂਜੀ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦਾ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦਾਸਨ ਦੇਤ ਆਨੰਦ ਬਲਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਦਾ ਗਿਰਾ ਦੁੱਖ ਦੰਦ ਨਿਕੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਬਚਨ, ਏਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਸੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮੋਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਛੇਤੀ ਚਲੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਦੌੜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਿਕਟ ਗ੍ਰਾਮ ਨਰ ਜੇਈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਫੈਲਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਹਲ ਬੰਨਦਾ, ਹਲ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਚਾਟੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ ਮਾਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਪਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੀਰਾਂ ਕੱਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਚਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਝੇ ਤੋਂ, ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ, ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਨ ਪਰ ਅਰੋਹ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਵੀ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਕਈ ਪੈਦਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੈਦਲ ਵੀ ਦੌੜੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇਜ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਕਿਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨ ਆ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਰਲੱਭ ਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡ ਫਲ ਦਾਤਾ। ਅੱਜ ਦੁਰਲੱਭ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜੀਵ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇਤਨਾ ਹੈ, 84 ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਵੇਖਾਂ, ਹੋਰ ਵੇਖਾਂ, ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ, ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ,
पर जदों इन्हां अखां नाल गुरु नूं देख लैंदा इह अखां रज जांदियां ने फिर होर देखण दी चाह नहीं रहिंदी। हांजी ब्राह्मण आए, खत्री आए, वैश आए, शूदर आए, गरीब अमीर, स्त्री पुरुष, हिंदू मुसलमान सब गोइंदवाल वाल मुंह करी जांदे, चलो सच्चे पातशाह दे अखीरले दर्शन कर लई। हां जी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारे पासियों तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारे पासियों तो संगत आ रही वीर घत घत के। हां जी श्री गोविंदवाल साहब आंदे जवारे साहब आके सच्चे पातशाह दर्शन कर दे, दर्शन वालिया दिया लैणा लग गईयां भी दर्शन करिए छेती चल के। हां जी श्री अंगद को नंदन दातू ए खबर खंडूर साहब पहुंच गई 8 किलोमीटर श्री गोइंदवाल साहब तो खंडूर साहब। मेरा ख्याल है तुसी सारे ने वो इलाका चंगी तरह वेख्या होना, दास महाराज ने कई बार दर्शन कराए, 8 मील कह लो 8 मील है उतों खंडूर साहब तो उत्थे गोइंदवाल तो खबर पहुंची खंडूर साहब गुरु अंगद देव जी के साहबजादे ने, पता लगा भी महाराज चले ने बाबा दातू जी सतगुरु अंगद देव जी दे वड्डे साहिबजादे। हाँ जी पूरब आए प्रहारी लातू उन्होंने कई साल पहला लोगों की चुक विच आ के भी दातू जी गद्दी ते तुहाडी सी वह अमरदास गुरु बनिया फिर सेवक लै गया तुसी चलो डेरा चुक के लिया उत्थे तुसी बैठो चल के। बाबा दातू निंदकां दे दोखियां दे आखे लग गया सी आ के गुरु अमरदास दीवान च बैठे सी छाती च लत मारी सी, गुरु अमरदास दी छाती च लत मारी सी, गुरु साहब थले डिग पए सी पलंगे तो थले डिगदिया ही सच्चे पातशाह ने बाबे दातू जी दा चरण फड़ लिया सी ते पलोसन लग पए सी, कहन लगे सी महाराज जी आप जी बहुत वड्डे हो गुरु अमर अंगद देव जी महाराज के पुत्र हो, मैं ते तुहाडे घर दा सेवक हाँ, मेरिया बुढ़िया हड्डियां करके तुहाडे चरणा नूं सट लगी होनी है, लिओ मैं मलदिया ते मेरी गलती है भी तुसी आए हो ते मैं उठ के खड़ा नहीं होया, मैनू माफ कर दिओ ते तुहानू मेरे करके कष्ट करना पिया ते मैं माफ़ी चाहुंदा। इन्नी निम्रता दिखाई सी पर बाबे दातू की लत च पीड़ शुरू हो गई सी, आप महाराज चले गए सी रात नूं सन साहब जाके रहे सी उत्थों, फिर बाबा बुढ़ा जी लभ के लियाए सी, कथा बड़ी लंबी सुनी है तुसी सारिया ने, ओ बाबे दातू दी लत च पीड़ हुंदी है कई सालां तों हड्डी नूं चीरदी है, बाबा दातू नूं पता लगा कि सतगुरु सच्चे पातशाह ज्योति जो सवान लगे। हाँ जी उस दिन जदों दी महाराज नूं लत मारी सी ना गुरु तीसरे पातशाह जी नूं उदों तो बाबे दातू जी होरां दी लत दे विच पीड़ हुंदी सी। हां जी हड्डी च पीड़ हुंदी सी, जिहड़ी अंदर मेन हड्डी है ना उहदे अंदर पीड़ हुंदी सी, उहदा कोई इलाज नहीं सी हुंदा, कोई उहदा दवाई दारू कम नहीं सी करदा, पीड़ सही जांदे सी कई सालां तों सही जांदे सी। हां जी शर्म दे मारे माफी मंगनी सी आउंदे भी मैं हुण किहड़े मूंह नाल जावां, उह की कहणगी संगत की कहेगी मैं भी तां गुरु दा पुत्तर आं गलती मेरे तों होई है पर मैं किवें माफी मंगा, उह लज्जत मां हुंदे होए माफी मंगनी सी आउंदे खंडूर साहब तों। हां जी बेनती करके अपनी भुल नहीं बख्शा सके। हां जी सो सुन के श्री अमर पियाना अज खबर पहुंच गई भी महाराज तो जा रहे ने, उन्होंने तो गद्दी दे दी है सेवक नू ते वो तो अज शरीर त्याग देंगे गुरु अमरदास साहब जी पियाना घर जाएंगे। हाँ जी अपने हिरदे विच महाराज साहब गुरु अंगद देव का पुत्र सोचन लग पिया। हाँ जी इस बासर दुख लहो कनेरा मैं रोज दुख पाई जाना कष्ट सही जाना, लत मेरी पीड़ हुंदी है ना, मैं चंगी तरह बह सकदा ना तुर सकदा ना नींद आउंदी रात नू, इन्ने सालों तो मैं दुखी हो रहा। हाँ जी बख्शावो तिन ते इस मेरा हुण उन्हां दा सचखंड जाण दा टाइम है, हुण ही मौका जे जाके बख्शा लवां ते
मन च ख्याल आ गया भी हुण मौका जे टाइम लंघ गया भुल बख्शाई नहीं जानी बख्शा लवा जा। हां जी मैं अपनी कुमत करके हंकार करके जा नहीं सकिया हंकार विच भी मैं लोग की कहणगे समाज की कहेगा पहला लत मार ली हुण माफिया मंगदा फिरदा हंकार करके पड़दा रखिया अपनी पीड़ सहंदा रहा दस नहीं सकिया। हां जी महापुरुष ने कृपालू ने महापुरुषां दा सुभाव हुंदा जिहड़ा कोई माफी मंगदे माफ कर देंदे। हां जी देखत दया करै दुख हरही ओह दया कर देणगे वेख के दुख मेरा दूर कर देणगे। हां जी जिम जाचै तिम तैबे तैबो करही ओह जिवें मंगांगा उवें दे देणगे दात। हां जी दूजी गल है लत दी कल्ली नहीं परलोक भी बिगड़ना गुरु साहिब दी बेदबी कीती हुई है अगे धर्मराज ने भी नहीं खड़न देना कचहरी च। हां जी आज समा फिर हाथ ना आवे अज दा समा गया मुड़ के हाथ नहीं आना ये फिर। हां जी विचार करके बाबा दातू जी छेती नाल तुर पए। हां जी पहुंचो पूर मह प्रेम विसाला बड़े प्रेम दे नाल भिजे हुए बड़े काली काली खंडूर साहब तो गोइंदवाल आ गए। हां जी ਔਚਕ ਜਾਏ ਚਰਨ ਸਿਰ ਧਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੁਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਥੱਤ ਔਚਕ ਆਏ ਚਰਨ ਸਿਰ ਸਿੱਧਾ ਸਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਨੇ ਫੜ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਭਇਓ ਦੀਨ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੋ ਭਰਿਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਨਮਤ ਕਰ ਸਮੁੱਖ ਬਿਠਾਇਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਫੜ ਲਏ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਏ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਮ੍ਰਿਦਲ ਲਾਇਓ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਮਸਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੋਹ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਤੁਮ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੋਹ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਤੁਮ ਆਏ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਓ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿਓ ਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਚਿਹਨ ਚੱਕਰ ਪੁੱਤਰ 'ਚੋਂ ਦਿਸਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਮੋਹ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਤੁਮ ਆਏ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਕਾਜ ਮੈਂ ਕਰੋ ਤੁਮਾਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤੇ ਸਫਲ ਹੈ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗਣੀਐ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ
ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਚਰਨ ਫੜਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੱਥ ਜੋਰ ਦਾਤੂ ਬਚ ਭਾਖੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਕਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਕਾਜ ਮਮ ਜਸ ਅਬ ਲਾਖੇ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮੇਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅਪਰਾਧੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਰਾ। ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਏ ਢੀਠ ਜਬ ਚਰਨ ਪ੍ਰਹਾਰਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਚ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਸੜਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਈਰਖਾ ਨੇ, ਈਰਖਾ ਵਰਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਤਾਪ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੋਂ ਘੜ ਜਾਂਦਾ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਈਰਖਾ ਨਾ ਵੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਈਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਭੈੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਹੋਰ ਭਾਂਬੜ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਤੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਧਰ ਵੇਖ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਾਤੂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਸੰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਸੰਗ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਕੁਸੰਗ ਮਾੜਾ, ਸੰਗ ਲੱਗ ਤਰੇ ਕੁਸੰਗ ਲੱਗ ਡੁੱਬੇ, ਕੁਸੰਗ ਡੋਬਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿੰਨ ਕਰ ਮਤ ਬਾਵਰ ਮਮ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਤ ਬੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਜਤ ਰਹਿਓ ਨਾ ਤੁਮ ਢਿੱਗ ਆਏ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਬਖਸ਼ੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੀ ਅਵਗਿਆ ਦੁੱਖ ਫਲ ਪਾਇਬ। ਜੋ ਮੈਂ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਨ ਛਿਮਾ ਤੁਮ ਧਾਰੋ। ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਛਿਮਾ ਤੁਮ ਧਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰਾ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੋ, ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਬਖਸ਼ ਲਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਹਿਤ ਸਾਰੋ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ, ਧੀਰ ਜਵਾਨ ਹੋ, ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੋ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਤਬ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਹਨ, ਤੁਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਅਡੋਲੇ। ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਆਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਓਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਦਾ। ਮਾਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਝਿੜਕਣ, ਲੜਨ ਭਿੜਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਗੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
नसीहत भी दवे ना मां बाप नूं गुस्सा लैदा तू कौणा ना है ना तिना च ना तेरां च मेरे बच्चे नूं तू कौण चल पिछे ते सच्चे पातशाह दे साहिबजादे होण ते असी साध संगत जी दुखी तिक्की किंतु परंतु करी जाइए सानू कोई हक है इहदा मतलब गुरु दे नहीं हैगे सी जे गुरु दे आ ते गुरु दे पुत्रां दा सत्कार गुरु अंगद देव साहब जी दे पुत्र दा गुरु अमरदास सत्कार कर रहे हैं वह कहिंदे महाराज तुसीं वड्डे आओ तुसीं उहनां दे साहिबजादे जिन्हां दे घर दा मैं सेवक हां जी मन करके मैं तन करके मैं तुहाडा दास हां मैं तुहाडे घर दा सेवक हां गुरु अमरदास कहिंदे हां जी अब परलोक होवत मतयारा हुण मेरी परलोक दी तैयारी है साध संगत जी दसां पातशाहियां तक निभाया गुरु नानक देव जी की ग्यारहवीं जोत ग्यारहवीं पीढ़ी बाबा जी बाबा कलाधारी जी बाबा कलाधारी जी गुरु नानक साहब की ग्यारहवीं पीढ़ी सन दसवें पातशाह उन्होंने सिंह भेज के बुलाया सी भी जाओ बाबा जी ने कहो आनंदपुर साहब के लागे आके वसण ऊना साहब जिहड़ी जगह है बाबा जी नूं बाबा कलाधारी जी नूं दसवें पातशाह ने अलाट कराई है सारी बाबा कलाधारी जी नूं इत्थे वसाया ऊना साहब जदों कोई खास गुप्त गल करनी हुंदी सी बाबा कलाधारी जी नाल मीटिंग करदे अज भी उह स्थान आनंदपुर साहब दे ते ऊना साहब दे विचकार पहाड़ां च है गुरुद्वारा बनिया होया उत्थे उत्थे कलगीधर पातशाह कल्ले बाबा कलाधारी जी नूं बुला के कोई वड्डा मसला हुंदा सी ना कौम दा पंथ दा उत्थे करदे सी गुरुआं दे पुत्रां दा सत्कार कीता सारे गुरुआं वड्डियां दा गुरु अंगद देव साहिब जी दे पुत्र नूं गुरु अमरदास साहिब सत्कार दे रहे ने बाबा जी असीं तां तुहाडे सेवक हां असीं तुहाडा की काम कर सवार सकदे हां तुसीं वड्डे हो हां जी रामदास अब सतगुर भयो हुण इह साडी थां ते गुरु रामदास जी गुरु बन गए ने हां जी मेहर दी निगाह रखिया जे इन्हां दे नाल रहा जे गुरु घर दे विच प्यार बना के रखिया जे हांजी तुम हो वड्डे बिघन गण हरिया तुसीं बजुर्ग हो बाबा दातु जी बजुर्ग हो चुके सन वड्डे हो उन्होंने तुसी बजुर्ग हो ये बच्चा है इन्हों का तुसी ख्याल रखना जे तुसी वड्डे हो हाँ जी इनको सुत गुरता जब पावै इन्हों का पुत्र गुरता गद्दी ते जदों बैठेगा ये गुरु अमरदास साहब वचन कर जदों इन्हों के साहबजादे आउणगे वो गद्दी ते बैठणगे यानी गुरु अर्जन देव जी पंजवें पातशाह हाँ जी समो पाए सो तुम टिग आवै समा आवेगा ओ आप चल के तुहाडे कोल आउणगे खंडूर साहब हाँ जी सो जब करहै सप्रशन हाथ उन्हां दे हाथ लगणगे उन्हां दे हथां नाल तुहाडी पीड़ मिटेगी करहै सर्ब संत संकट तह साथ जदों ओ आउणगे गुरु अर्जन देव जी आउणगे ओ खंडूर साहब आउणगे समा आवेगा ओ हाथ लाणगे फिर तुहाडी लत दी पीड़ खत्म हो जाएगी हाँ जी दासू आए मिलो सुख पाए इन्हें बाबा दासू जी भी आ गए छोटे साहबजादे गुरु अंगद देव जी दे पहला दातू जी क्योंकि दातू जी ने लत मारी सी दासू दूजे सन वो भी आके मिले पर लोक दरस है समदाए महाराज ने कहा गुरु अर्जन देव जी तुहाडी लत ठीक करनगे गुरु अमरदास साहब बचन अगे पा दिता ये बचन उदों पूरा होया जदों साहब श्री गुरु अर्जन देव जी पोथियां लैन गोइंदवाल साहब गए ने बाबे मोहन जी कोल पोथियां लै के वापस डेरा साहब गुरु महाराज गुरु अंगद देव जी का अंगीठा साहब है जिहड़ा उत्थे आके मत्था टेकिया उत्थे बाबा दातू जी आके मिले ने बहुत बिरदा चुके सी ते कहन लगे सच्चे पातशाह जी बड़ी कृपा कीती है तुसीं आए हो मैनूं तुहाडे नाना जी ने गुरु अमरदास जी ने कहा सी भी तुहानूं मेरा दोता ठीक करेगा ते ओ भुल मेरे तो होई है लत मारी सी मैं उन्हां नूं पीड़ मेरी लत च बड़ी हुंदी है हुण बख्श दिओ ते गुरु अर्जन साहब जी ना प्यार नाल दोवें हत्थ अगे करन लगे बापू जी लै तुहाडी लत्तां घुटी गईआं ने नाले लत्त फड़ ली ते नाले घुटदे घुटदे ठीक करती
मुड़ के पीड़ नहीं हुई। आखो श्री वाहे। धन श्री गुरु अर्जन देव जी पंजे पातशाह ने बाबा दातू जी की लत खडूर साहब जाके ठीक की। गुरु अमरदास जी पहला ही बचन कह रहे भी एदा होवेगा आउणगे पंजे जामे ज उदों ठीक करनगे। हाँ जी सब संगतां पहुंच गईयां ने नमस्कारां कर रहियां ने महाराज दे चरणां ते। हाँ जी धन धन गुर शब्द सुनावै धन श्री गुरु अमरदास धन श्री गुरु अमरदास धन श्री गुरु अमरदास। भले अमरदास गुण तेरे भले अमरदास गुण तेरे भले अमरदास गुण तेरे भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो ए बाणे आवे तेरी उपमा तो ए बाणे आवे इस तरह संगत महाराज की जय जयकार कर रही हैं। सब संगत सो पुनहो उचारा फिर सारी संगत नू बचन करन लगे हैं। रामदास मैं रूप सुधारा देखो भाई हुण मेरा रूप रामदास है मेरे विच ते रामदास कोई फर्क ना समझा जे। हाँ जी जिन्हां तुसी मेरा सत्कार करदे रहे हो एना ही इन्हां दा सत्कार करना है। वेद इन सो एक भरना मेरा इन्हां दा कोई भेद फर्क नहीं रह गया एक रूप हो गए हुण असी अपनी अवध दीन बैठाए अपनी उम्र दे के असि इन गद्दी ते बिठाया है। श्रद्धा धरै सो सब फल पाए जेड़ा इन्हां ते श्रद्धा रखेगा ओनु सारे फल मिलणगे। हुण मैं अंतर ध्यान होण लगा हां हुण मैं तुहाडियां अखां तो ओले हो जाणा है। हां जी सुण संगत गुर के बच कान चलो ए बचन संगत ने सुने महाराज जी दे। हां जी जय जयकार उचारन कीना सब दे मुंह तो जय गुरु अमरदास दी जय जय जयकार होई है। जयकार गले पार आए अखां च हंजू बगन लग पे ते गुरु साहिब जी दे प्यार विच सिखां नूं संसार भुल गया उस वे। हां जी भादों की शुभ पूर्णमाशी ए भादरों की पूर्णमाशी ते 1574 ईस्वी सी। हां जी चहत समावन गुर अविनाशी महाराज अपने घर जान लगे सच खंड प्याना करन लगे संगत सहत सो नंदन हेरा बाबा मोहरी जी ते संगत सारी कोल खड़ी है। अस आए से दीन से तिस बेरा सारी संगत नु आग्या दित्ती हुकम देन लगे हन तैयारी करो विमान बनावो साडा विमान सजा दे तैयारी कर लो असी हुण तैयारी जा कमर कसे साडे लगे हुए ने सब कारज कह सीगर कराव छेती कर लो सारियां तैयारियां। हां जी सुनत मोहरी कह बच ऐसे बाबा मोहरी जी हाथ जोड़ के बेनती करन लगे क्रिया कर्म की आयस कह महाराज क्रिया कर्म किदां दी करनी आप जी तो बाद रीति रिवाज की करना है मर्यादा किदां दी करनी है। अपने कुल की मर्यादा की है कृपा करके दस दियो करहै के नहीं आप जम कह आप दसो भी लोका रीत करनी है या नहीं करनी सुन सत गुर ने कहो विचार सत गुरु अमरदास साहब जी अपने पुत्र की गल सुन के बोले हैं मम नह कछ करमन अधिकार देख बेटा मोरी असी कर्मा दे अधिकारी नहीं मेनू कोई करन दी लोड़ नहीं मेरे वास्ते कुछ भी करन दी लोड़ नहीं क्योंकि कर्म हुंदा त्रै गुणी माया विच जिहड़े जीव चल रहे ने रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी उन्हां वास्ते कर्म हुंदा चौथी पदवी ब्रह्म ज्ञानी दी उहनूं कोई कर्म नहीं हुंदा उहदे वास्ते उहदे लई कोई खंड पाठ भी ना करावे उहदे लई कोई दान पुन भी ना करे उहनूं कोई फर्क नहीं पैंदा उहदा अपना कर गया उहदा कर गया मारे कहते मेरे वास्ते कुछ करन दी लोड़ नहीं
पर तुसी अपने लिए कर लिया जे। ओ की कर लिया जे? अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करे हो निर्वाण जियो केसो गोपाल पंडित सद्यो हो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। परमेश्वर की कथा परमेश्वर का कीर्तन करया जे और कोई दुनियावी बचन ना करया जे रोना पिटना ना करया जे। मत मैं पिछे कोई रोब सी सो मैं मूर न पाया मेरे पिछो जड़ा रोएगा मैनू बिल्कुल चंगा नहीं लगेगा। कहन लगे महाराज जे सानू रोना आ जावे की करिए साडा तां हुणे ही मन भरिया पिया। सच्चे पातशाह कहिंदे देखो भाई एक गल सुन लो समझ लो फिर तुसीं दस्या जे। महाराज कहिंदे जे तुहाडे बापू नूं कितों सरोपा मिले तुहानू सज्जन मित्र नूं कितों सरोपा मिले सरोपा मिलन की खुशी मनांदे हो कि रोंदे हो? कहिंदे जी सरोपा मिले सज्जन नूं ते खुश होंदे आ मित पैजै। ये बाणी दे बचन ने सत बाणी दे। आपां जदों किसे प्राणी का भोग पैंदा श्लोकां तों बाद बाणी दुबारा रिपीट करदे आ। वैसे तो पाठ विच भी पढ़ी हुंदी है पर दुबारा क्यों पढ़ते हैं भी इस टाइमली जिहड़ा मैसेज है वह दुबारा महाराज साहब का सानू रिपीट हो जाए इस टाइम लई भोग दे समय लई की करना। कहिंदे मित पैजै जे मित्र नूं सरोपा पहराया गया मित बिगसा उहदा कोल खड़ा मित्र खुश हुंदा वधाई कहिंदा आह साडे मित्र नूं पग भज गई साडे मित्र नूं सरोपा मिल गया साडी इज्जत बन गई। मित पैजै मित बिगसा जिस मित की पैज भाव है दिलों प्यार करदा होवे दिलों मित्र होवे फिर खुश होएगा। जिसनों मित्र की इज्जत चंगी लगती है वह इज्जत होंगी वेख के खुश होंगे। तुसी विचार देखो पुत भाई मेरे बच्चो तुसी विचार के देखो हर हरि परमात्मा ने मैनू बल बुलाया दरबार दे विच हर सतगुरु पैनावे उसे तुहाडे गुरु नूं अमरदास नूं सरोपे मिलने ने उत्थे सरोपा मिलना मैनू अकाल पुरख दे दरबार जदों उत्थे जय जयकार हो रही होवेगी सरोपा मिलता इत्थे तुसीं रोवोगे? कहिंदे महाराज हुण गल समझ आ गई हुण नहीं रोवांगे हुण समझ आ गई पर इह तां दसो किरिया की करांगे? महाराज कहिंदे किरिया करनी कीर्तन करना यही किरिया साडी यही भजन बाणी नाल जुड़ना होर दुनियावी कर्मां दी सानूं कोई लोड़ नहीं। हाँ जी जग मेरे जाद रखी जे चाहिए जय जगत की मर्यादा करनी है कीर्तन करिया जे लंगर लाया जे संगतां नूं छकाया जे ये रीति चलाया जे ये सच्चे पातशाह उस वेले समझा के 1574 भादरों की पूर्णमाशी वाले दिन अकाल पुरख वाहिगुरु के सरूप विच लीन हो गए अपनी थां ते चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास साहब जी नूं बिठाया है बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे पूर्ण ताल खटाया अमृतसर विच जो जगावे। हुण अगे उहनां दी कथा सुणी चलनी है साध संगत जी पर अज कल तो आपां महाराज पहली पातशाही सतगुरु नानक देव जी दे प्रकाश पुरब दी खुशियां आ रही ने उहदे संबंध सवेरे अखंड पाठ साहिब आरंभ होना जिहदा शनिवार भोग पवेगा 10 बजे ते अखंड पाठ साहिब दरबार च होना लाइव चलना संगतां ने इत्थे भी हाजरी भरनी है नैट ते भी सुणदे हो बाणी नाल जुड़िए सिमरन करिए जपजी साहब दे पाठ मूल मंत्र दे पाठ जिन्हें हो सकन बाणी पढ़ के गुरु नानक साहब का गुरपुरब मनाइए ते शनिवार सारा दिन दीवान सजने ने निशाना की सेवा होनी है सो सारा प्रोग्राम सैकटरी साहब आप जी ने समय समय दस रहे हैं। दास इतें ही अपने विचारों नूं विराम दिंदा हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द हे समर्थ अगम पूरन मोहे मया तार अंधकूप महाभयान आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल। वाहिगुरु नाम जहाज है जड़े सोतरे जो शरदा कर सेवंदे गुरु पार उतारण। वाहिगुरु जी का खालसा।